वैष्णो देवी के पास त्रिकुटा पहाड़ियों के जंगल में आग लगी हुई है। जंगल में आग की वजह से पैदल यात्रा बुधवार से रुकी हुई है। आज सुबह से हेलीकॉप्टर के जरिए यात्रा शुरू हुई है, लेकिन पैदल यात्रा शुरू नहीं हो पाई है। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये आग लगातार फैलती जा रही है, जिसकी वजह से पैदल यात्रा रोक दी गई है। हालांकि हेलीकॉप्टर के जरिए आज यात्रा शुरू की गई है। बहुत ही ज़्यादा श्रद्धालु फंसे हुए हैं, बीच में भी फंसे हैं, ऊपर भी फंसे हुए हैं, आने में भी दिक्कत हो रही है, पर फिर भी हेलीकॉप्टर से प्रशासन ठीक करने की कोशिश कर रहा है और काफ़ी हद तक ठीक हो गया है। आग लगी हुई तो सर ये सुबह से हम लोग को दिख रहा था, धीरे धीरे करके, लेकिन बहुत बढ़ चुकी है अभी आग, और हेलीकॉप्टर चल रहे हैं सर, उसको बुझाने की प्रक्रिया चल रही है। आश्वासन ये दिया जा रहा है कि 2-4 घंटे में आग बुझ जाएगी।